Hey guys, assalam alaikum, sat sri akal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूँ रानिया. मैं हूँ रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है एक हिंदू मुसलमान के भेस में हज के लिए मक्का गया. और तो देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है, आप लोग भी लास्ट तक जरूर देखना. यस गाइस, डॉक्टर जाकिर नायक सर का इस पर रिप्लाई है. क्या रिप्लाई दिया है ये देखने को मिलेगा. आप लोग लास्ट तक के वीडियो देखो, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. कितना दिन जमा क्यों इतनी दाढ़ी और टोपी लगा के क्या मजबूरी दाढ़ी और टोपी लगा के क्या मजबूरी बताइए. मुस्ताक नाम बता रहे थे. नाम तुम्हारा प्रकाश है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा दीन इस्लाम चैनल पर आप सब मुसलमान भाइयों और बहनों को खुश आमदीद. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ. इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया. मेरा नाम डॉक्टर आर के वर्मा है. यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ. और ये हॉल जो है मेरे पति देव की देन है. जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था. आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं. मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं तो वहाँ हिंदू को ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाजत है. जैसे आप लोग जाते हैं क्या हम लोग नहीं जा सकते वहां पे. वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है. जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहां जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए. डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलत फहमी नंबर 10 है. मेरी किताब आप पढ़ेंगे गलत फहमी नंबर 10. और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की. गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है. बहुत अहम सवाल. इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं. मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया. सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते. मैं नहीं झगड़ सकता हूं. मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते. नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है. ये कैंटोनमेंट एरिया है मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग है, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है. ये रूल है. इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है. वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं. हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है. भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते. लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है. और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है. वीजा, और सबसे डिफिकल्ट अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद. 50 सवाल पूछते. जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत. अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होगी. मैंने कहा सजा है मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू. तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते आपको तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजा है मौत. इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है. आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। भी पाले जा सकते, क्या ये बात सही है कि परिंदे भाई हो गई भाई? अगर इस्लाम में कब्र के ऊपर इमारत खड़ी करना मना है तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इमारत क्यों है? हुजूर की कब्र पर इमारत नहीं है, इमारत में हुजूर की कब्र है। हजरत आयशा का हुजरा पहले से मौजूद था, उसके अंदर कब्र बनाई गई है, और फिर अगर उसके ऊपर इमारत बनाई भी गई है तो वो गलत है, हम उसके जवाज के कायल नहीं है। लेकिन चूंकि उसके गिराने में बहुत बड़ा फितना है, बास काम यानी गलत होते हैं मगर उनको सही करने की कोशिश उससे भी ज्यादा गलत होती है, बहुत बड़ा फितना है उसको गिराने में, क्योंकि वो ये समझा जाएगा कि नबी की तौहीन हो रही है, तो उसको उलमा ने सब ने पूरी दुनिया में फतवा दिया इसको अब छेड़ा ना जाए, इस पर मजीद इमारत ना बनाई जाए, बस जितना है इसको मजीद छेड़ा ना जाए। इस पर शाह फहद के दौर में पूरी दुनिया के उलमा जमा हुए थे तो उन सब का ये मुत्तफ़िका फतवा था कि इसको छेड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जैसे बैतुल्ला की तामीर जो थी ना वो तो हतीम तक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं गिरा के तामीर करूंगा तो इससे अरब में क्या हो जाएगा फितना, तो जैसे ऐसे न, तो बात चीज़ें फितने के खौफ से भी उनको बाकी रखा जाता है। मेरे ऑफिस में एक साथ लड़की जॉब करती है और मुझसे एक सवाल बार बार करती है, हज के दिनों में सिर्फ मुसलमान ही मक्का और मदीना जा सकते हैं, ये इजाज़त नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं है और सिर्फ मुसलमान को क्यों है? भाई अल्लाह का घर है तो अल्लाह ने कहा सिर्फ मुझे मानने वाले आएंगे, जो मुझे नहीं मानते उनकी एंट्री बस अल्लाह का ने बना दिया। मुफ्ती साहब गुनाह नहीं छूट रहे, रोज़ तौबा करने पर भी गुनाह हो जाता है, तबलीग में जाओ 4 महीने लगाओ इंशाल्लाह गुनाह छूट जाएंगे। माहौल बदलना ज़रूरी है, जिस माहौल में गुनाह सीखता है उसी माहौल में गुनाह छोड़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल होता है। अब ऐसा ना हो कि जब तक तबलीग में नहीं जा रहे तो और करते रहें कि चलो अब जब जाऊँगा तो छूट ही जाएंगे, ये भी शैतान धोखा देता है। मैंने जब किसी को मशवरा दिया तबलीग में जाओ, कह रहे जब तक नहीं जा रहे चलो फिर तो छूट ही जाएंगे ना बाद, ये शैतान का धोखा है। अब भी छोड़ें और साथ साथ तबलीग में जाने की कोशिश भी शुरू कर दें। इस्लाम में इस्तिखारा की क्या कहते हैं, अगर लड़का लड़की एक दूसरे मोहब्बत करते हैं शादी करना चाहते हैं इस्तिखारा सही ना है, छोड़ दें इस्तिखारा, शादी करना चाहते हैं शादी करें। ये वाला इस्तिखारा इस्लाम में नहीं जो आजकल मार्केट में चल रहा है, जो इस्तिखारा ओरिजिनल है वो मैंने गूगल पे मुफ्ती तारिक मसूद इस्तिखारा लिखेंगे आ जाएगा, जहां दिल चाह रहा हो शादी करने का अगर कोई उसमें खराबी नहीं है सही है ना तो कर लेनी चाहिए इस्तिखारा, चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए कर लेनी चाहिए। जो मौलवी साहब कहे ना आपका नेगेटिव इस्तिखारा आया है तो उनसे बोले जब आप खुद कर रहे थे तो आपने किसी और मौलाना से पूछा था? मुफ्ती साहब मेरा बेटा आपका बयान बहुत सुनता है लेकिन अमल किसी बात पर नहीं करता, बदअखलाकी बहुत करता, बड़ों का अदब नहीं करता, उसको बताएं उसको चित्रौल लगेंगे अब उसके, इतना सारा मैंने बयान किया फिर भी अमल नहीं कर रहा। तो फिर तफसील से ये अभी मौजू इस पर तो बहुत लंबी बात है कि उसकी इसलाह कैसे करें। सिफली अमल और काले जादू क्या कहते हैं, टोप ई ड्रामा, जादू तो फिर हकीकत है लेकिन आजकल इतना नहीं होता जादू जितना लोगों ने बनाया हुआ है, इस पर मेरे बयानात कई हो चुके हैं। जादू की हकीकत ये सर्च करें, रूहानी इलाज वालों का इलाज वो भी सर्च करें आप। एक दफ़ा मैं जहाज़ में वो दुबई जा रहा था तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए, उन्होंने मेरी पगड़ी वगड़ी देख के मुझे समझे कि रूहानी इलाज करेंगे ये, तो मुझसे कहने लगे मुझे ये परेशानी आप रूहानी इलाज करते हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा YouTube पे मेरा पूरा एक बयान है इस पर। उसने कहा वो क्या है, उसका नाम बताया। मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज। किसका रूहानी इलाज? मैंने कहा मैं स्पेशलिस्ट हूँ। सो गाइस ये तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था एक, ठीक है, और रियली मैं भी एक मतलब बचपन में ऐसा सुनता था, बचपन से मतलब मतलब 7th-8th में था तब मैं ये सुनता था, ये समझता था और अभी तक के समझता था इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले कि काबा में बोलते थे शिवलिंग है, शिव जी की वहाँ पूजा होती है, वहाँ अंदर पे है तो इसीलिए उसको कवर करके रखे हुए हैं, ऐसा ये कहानी बताते थे। बहुत सारे यूट्यूब में भी ये कहानी है, अगर आप देखोगे तो सर्च करोगे पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो एक चीज बोलते थे अगर वहां पर गंगा जल लेके जाओगे और वहां पर गंगा जल डाल दोगे तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, ऐसा ये बोलते थे। लेकिन बाद में जब मैं देखा 360 में अंदर का फोटो तब मेरे को समझ में आया कि वहां पर ये चीज नहीं है, वो कब्र है, ठीक है, और वहां पर सिर्फ मतलब वो एक जगह है वहां पर, हाँ घर है, वहां पर कुछ नहीं है, चीजें नहीं है वहां पे, ठीक है, पूरा खाली है अंदर से। तो ये मेरे को पता चला, मैं देखा तो 360 आता है ना यूट्यूब में ही देखना, ठीक है, तब पता चला, तब मेरे को समझ में आया कि और वो एक सिर्फ जगह है, एक एंगल है, जो नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम भाई, ठीक है, जो नमाज पढ़ते हैं तो वहां पर एक एंगल, वो एक वहां पर बोला जाता है कि उस एरिया में मतलब उधर साइड करके मुंह करके आपको नमाज अदा करना है, पढ़ना है,
तो यही चीज था, बाकी और कुछ नहीं है। और जो भाई गए वो ऐसे वीडियो आते रहते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं वो, क्योंकि अंधविश्वास बोलते हैं ना, फैलाते हैं, तो ऐसा करते हैं लोग, तो उसी पे करते हैं। तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।